नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तटबंध में कटाव या रिसाव दिखने पर यहां करे शिकायत। बिहार में फिल्म बनाने वालों को अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा मिलेगी अनुदान। जाम से सड़कों को मुक्ति दिलाने के लिए पटना समेत अन्य जिलों में जल्द लागू होगी नई योजना। बीपीएससी द्वारा निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की 26 जुलाई है अंतिम तारीख। सर जडेजा को वनडे सीरीज में नहीं मिली जगह। विंडशील्ड पर फास्ट टैग स्टिकर नहीं लगाने वालों से वसूला जाएगा 2 गुना जुर्माना। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस दिन मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी होगी रिलीज। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा पद पर भर्ती आई है। यह भर्ती सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bank.sbi पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अगस्त है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही संबंधित क्षेत्र में BE या BTEC किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में फिल्म बनाने वालों को अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा मिलेगी अनुदान। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। अब बिहार में फिल्म उद्योग के विकास का रास्ता भी सरकार के इस फैसले से साफ हो चुका है। राज्य सरकार के इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को अनुदान, शूटिंग खर्च में सब्सिडी, फिल्म कलाकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। अनुदान के रूप में फिल्म निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। सरकार यह अनुदान सभी तरह के फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल और OTT के निर्माण के लिए देगी। जाम से सड़कों को मुक्ति दिलाने के लिए पटना समेत अन्य जिलों में जल्द लागू होगी नई योजना। पटना समेत सभी जिलों के शहरों को ऑटो और ई रिक्शा से हो रहे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्लानिंग की गई है। अब रूटों को जोन में बांटकर कलर कोडिंग की जाएगी। इसके साथ ही सभी ऑटो को एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। परिवहन विभाग को इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और अब परिवहन विभाग द्वारा आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाइट पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव के आलोक में 30 दिन बाद निर्णय लिया जाएगा और योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। इस बाबत परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य न केवल शहरों को जाम से मुक्त करना है बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करना है। नीतीश कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, इस दौरान 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में प्रदेश के विकास से संबंधित कई योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें CM समग्र शहरी विकास योजना शामिल है। इस योजना का कार्यान्वयन बुडको और बूढ़ा के माध्यम से होगा। इसके अलावा पंचायतों में 15 लाख से कम की योजना का भी अब टेंडर निकलेगा। इसके अलावा कृषि भूमि की लीज बाजार मूल्यों पर होगी। साथ ही गया मोतिहारी के बाद विक्रमशिला में तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। इसके अलावा गया, बोधगया और नवादा की तर्ज पर औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी में सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। साथ ही वैसे राजनीतिक दल जिन्हें मान्यता प्राप्त है उन्हें मिले सरकारी भवनों के नवीनीकरण के लिए 2 वर्ष की बाध्यता मंत्रिमंडल ने समाप्त कर दिए है। भवन तब तक उनके पास रहेगा जब तक पार्टी की मान्यता रहेगी। तटबंधन में कटाव या रिसाव दिखने पर यहां करें शिकायत। यदि आप कहीं भी तटबंध में कटाव, रिसाव या पाइपिंग से जुड़ी समस्या देखें तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-3456145 पर कॉल कर सकते हैं। इसकी जानकारी IPRD विभाग ने शेयर की है। इस नंबर पर आपको 24 घंटे सेवा मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत करते ही त्वरित कार्यवाही की जाएगी। कॉल करने के अलावा आप #HelloWRD पर ट्वीट भी कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स से पकड़े गए 4 मेडिकल स्टूडेंट्स पर बड़ी कार्रवाई।
पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिया गया था। सीबीआई ने चारों को गिरफ्तार कर करीब 9 घंटे तक पूछताछ किया गया था। अब पटना एम्स प्रबंधन ने चारों मेडिकल स्टूडेंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इन्हें सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि यह सभी मेडिकल स्टूडेंट 2021 बैच के हैं। सीबीआई ने इनके चारों कमरे को सील कर दिया और इनके मोबाइल व लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद इन चारों मेडिकल स्टूडेंट्स को रिमांड पर भेज दिया गया है। इसमें सिवान के रहने वाले चंदन सिंह, पटना के रहने वाले सानू, धनबाद के रहने वाले राहुल आनंद और अररिया के रहने वाले करण जैन का नाम शामिल है। विंडशील्ड पर फास्ट टैग स्टिकर नहीं लगाने वालों से वसूला जाएगा 2 गुना जुर्माना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अब फास्ट टैग को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। NHAI ने नई एडवाइजरी जारी की है और टोल प्लाजाओं को निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों में फास्ट टैग सही से नहीं लगा हुआ हो, इस तरह के वाहनों से डबल फाइन लिया जाएगा। इसके साथ ही टोल कलेक्टर से जुर्माने के प्रावधान की जानकारी को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते रहने का भी कहा गया है, जिससे कि लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। विंडशील्ड पर सही से फास्ट टैग नहीं लगे रहने पर डबल चार्ज वसूलने के साथ ही जुर्माने लगाने के बाद CCTV फुटेज और गाड़ी नंबर को संभाल कर रखा जाएगा ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड को रखा जा सके। BPSC द्वारा निकाले गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन की 26 जुलाई है अंतिम तारीख। 23 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1339 पदों पर BPSC द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से MD या MS की डिग्री प्राप्त की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर इस दिन मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी होगी रिलीज। मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड भैया जी फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आपने इस फिल्म का मजा सिनेमा घरों में नहीं लिया था तो अब इसे आप अपने घर बैठे OTT प्रीमियर पर देख सकते हैं। यह फिल्म G5 पर रिलीज होने वाली है। 26 जुलाई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में न्याय और प्रतिशोध पर कहानी आधारित है। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अब लगेगी रोक। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि अब बिना टेंडर पंचायतों में किसी तरह के विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती हुई है। पहले यह विकास कार्य मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर से करवाते थे। हालांकि कई बार विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले सामने आने के बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बिहार हो सकता है अहम मुद्दा। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठ सकता है। सभी के बीच यह सवाल बना हुआ है कि सीएम नीतीश इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि बीते 2 बैठक से सीएम नीतीश इस बैठक का हिस्सा नहीं बने थे। हालांकि अब वे NDA का हिस्सा हैं, तो उनके आने की संभावना बनी हुई है। इस बैठक में बिहार को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शीर्ष निकाय से लेकर शासित परिषद के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। ऐसे कराएं अपने अतिरिक्त सिम को बंद। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सिम है जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं और आप उसे बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपका सिम जिस भी कंपनी का है उस कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर में कॉल करना होगा। इसके बाद आपको कस्टमर केयर से बात कर उन्हें बताना होता है कि आप अपने सिम कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं और इसके साथ ही आपको सिम बंद करवाने का रीजन भी कस्टमर केयर को बताना होता है। इसके बाद कस्टमर केयर आपकी प्रमाणिकता के लिए आपसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मांगता है, जैसे कनेक्शन किसके नाम पर है, पता आदि। इसके बाद आपके सिम कार्ड को बंद करने के अनुरोध को प्रोसेस किया जाता है।
दलहन फसल को लेकर नीतीश सरकार की योजना। मंत्री परिषद में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ 9 लाख और 6,000 रुपए, टर्फा योजना के लिए 40 करोड़ 86 लाख के करीब में खर्च होंगे। वहीं योजना कार्यान्वयन और निकासी व्यय के लिए 95 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। दलहन योजना से संबंधित यह जानकारी IPRD बिहार पर भी साझा की गई है। आप स्पष्ट जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। 7 साल की विजेता अनाया ने शतरंज की प्रतियोगिता में सभी को किया हैरान। महज 7 साल की उम्र में शतरंज प्रतियोगिता की विजेता बन अनाया ने सभी को चौंका दिया है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली अनाया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पटना में अपने गृह जिला गया का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अनाया की प्रतिभा को देख सभी हैरान रह गए। इनके परिजनों ने बताया कि वह शतरंज में शानदार खेल दिखाए और अन्य प्रतियोगिता में इसी तरह परचम लहराए, इसके लिए वे लोग उसे प्रोत्साहित करते रहेंगे। प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग की तरफ से मिला यह आदेश। प्रदेश में मौजूद प्राइवेट स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत कहा गया है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रस्वीकृति प्राप्त निजी स्कूलों को अब यह बताना होगा कि उन्हें कितनी संख्या में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन लेने का आदेश था और उन्होंने किस तरह से इसका अनुपालन किया। जिन प्राइवेट स्कूल ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा यह निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान इस बात का पता चला कि अररिया, औरंगाबाद और शेखपुरा में इस अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस दौरान यह भी पता चला कि कुछ बच्चों का स्कूल आवंटन अधिक दूरी पर किया गया है, जिस वजह से अभिभावक भी बच्चों के नामांकन उस आवंटित स्कूल में नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रदेश के अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि। बिहार के सामान्य तापमान में वृद्धि होने लगी है। कमजोर पड़ते मानसून में लोग उमस भरी गर्मी से भी परेशान हैं। प्रदेश में आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज मौसम विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 36 से 38 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर 28 से 30 डिग्री और कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामले पर सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर सीएम नीतीश ने बीते दिन अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इसमें DGP, मुख्य सचिव और अन्य कई बड़े पदाधिकारी शामिल रहे। इस मीटिंग में SSP, SP, IG, DIG, कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि किसी भी हालत में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाइए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कैंडिडेट ने बताया बदले हुए पैटर्न से पूछे गए सवाल। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। बीते दिन परीक्षा एक पाली में 12 बजे से शुरू हुई और 2:30 बजे तक खत्म हुई। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने बताया कि GK, GS से सवाल टफ थे। कैंडिडेट ने बताया कि इस बार परीक्षा में पुराने पैटर्न के मुताबिक सवाल नहीं पूछे गए थे। आज और कल भी परीक्षा एक शिफ्ट में ही होगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए कुल 5,81,305 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बिहार सरकार के इस फैसले के विरोध में उतरा मुखिया संघ। नीतीश कैबिनेट की बैठक के दौरान अब पंचायत स्तर से विकास योजनाओं का लाभ भी टेंडर के जरिए करवाने का फैसला लिया गया है, जिससे मुखिया और वार्ड सदस्यों के कुछ अधिकार छिन गए हैं। इस मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितता के कई शिकायत देखने को मिल रहे थे। नीतीश सरकार के इस फैसले पर अब मुखिया संघ विरोध में उतर चुके हैं। मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय ने कहा कि सरकार अपने इस फैसले से खुद को ग्रामीण इलाकों में कमजोर कर रही है, जिसका परिणाम उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने नीतीश कैबिनेट के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने पंचायती राज के फैसले को संविधान से मिले अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ग्राम सरकार का पावर छीनने का अधिकार देश के किसी सरकार को नहीं है। ग्राम सभा में पारित योजनाओं के लिए टेंडर नहीं होता है। मिट्टी भरने, चापाकल लगाने, नाली सफाई जैसे कार्य के लिए अगर टेंडर का इंतजार करेंगे तो 6-6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज देश में कहीं भी ग्राम सरकार में निविदा प्रक्रिया नहीं है, तो नीतीश सरकार को क्या इसकी जरूरत पड़ी, यह समझ से परे है। यूपी में योगी सरकार के इस फैसले पर जदयू ने पुनर्विचार करने की दी नसीहत। यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों और ढाबों पर मालिकों का नाम लिखवाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले की खूब राजनीतिक चर्चा देखने को मिल रही है। विपक्ष योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है, तो वहीं साथ ही में BJP के साथ मिली कई पार्टियां भी इस फैसले के खिलाफ है। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता KC त्यागी ने योगी सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसमें बड़ी यात्रा बिहार
बिहार से निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री की जो व्याख्या है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पीएम मोदी की जो भारतीय समाज और एनडीए के बारे में व्याख्या है, उसमें ये लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के इस व्याख्या के विरुद्ध हैं। इस नियम पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने बताया, बिहार में एक और निफ्ट संस्थान होगा स्थापित। पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। यह आयोजन बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ, ताकि यहां निवेश को आकर्षित किया जा सके। इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एक नया राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान यानी निफ्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भागलपुर, नवादा, नालंदा, गया और पटना में रेशम, हथकरघा और हस्तशिल्प के नए केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा। सर जडेजा को वनडे सीरीज में नहीं मिली जगह। 18 जुलाई को भारतीय टीम की घोषणा हुई है। यह टीम 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ होने जा रही 3-3 मैचों की वनडे के लिए बनाई गई है। सूर्य कुमार यादव T20 सीरीज के लिए कप्तानी करने वाले हैं, वहीं रोहित शर्मा ODI सीरीज में कप्तानी करते नजर आएंगे। सुमन गिल को T20 और वनडे दोनों ही सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया है, वहीं रविंद्र जडेजा को टीम में जगह नहीं दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिताब जीतने के बाद ही जडेजा ने संन्यास ले लिया था। आपके मुताबिक जडेजा को वनडे में मौका मिलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। आज के ही दिन वर्ष 1905 में बंगाल के पहले विभाजन को भारतीय सचिव ने मंजूरी दी थी। आज के ही दिन वर्ष 1997 में तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1989 अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय विकलांग है। आज के ही दिन वर्ष 1950 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्म हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने से कई बड़े कामकाज बाधित। बीते दिन दुनिया के दिग्गज सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया, जिस वजह से अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक विमान सेवा से लेकर रेल और बैंकिंग सभी सेवाएं बाधित हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो जाने की वजह से दुनिया की कई एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट उड़ान भी नहीं भर पाई। भारत में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसका असर शेयर बाजार के कारोबार पर भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। इसे लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि ऐसा किन कारणों से हुआ है, इसका हम पता लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने क्लासरूम में सोने वाली महिला शिक्षिकाओं के खिलाफ की कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सहरसा के सरकारी स्कूल की 3 महिला शिक्षिका के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि ये 3 महिला शिक्षिका क्लासरूम में सो रही थी। अब इन तीनों महिला शिक्षक को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सो कॉज जारी किया है। यदि ये महिला शिक्षक संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहरसा जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने इन सभी शिक्षिकाओं के खिलाफ वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया है और सो कॉज जारी किया है, जिसमें शिक्षिका पुष्पा कुमारी, मोना कुमारी और दुर्गावती कुशवाहा का नाम शामिल है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी जंगल, ऑप्शन सी मंदिर या ऑप्शन डी प्राचीन राज्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध मठ। कांग्रेस के बाकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए RN मुथोलकर, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए RN मुथोलकर। हाल ही में ICAR का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 16 जुलाई, ऑप्शन सी 15 जुलाई या ऑप्शन डी 17 जुलाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 जुलाई। हाल ही में सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आरती विष्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट जे रवि, ऑप्शन सी दिलीप माथुर या ऑप्शन डी संजीव जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रॉबर्ट जे रवि। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र
या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, गोनर शर्मा, सुभाष कुमार यादव, अनिल पांडे, राजीव कुमार, सूरज कुमार, समर कुमार, विवेक पंडित, चंदन कुमार, पूनम लता, शशि कुमार यादव, नुन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार में आपराधिक मामले पर उठ रहे सवाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।